सो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर स्वागत है। तो आज अपने पास ये एक टीवी आई हुई है, बिल्कुल कंबल में, एक तरह से पूरी बंद कर, देखते हैं किस कंपनी के है पहले ये, और क्या समस्या है देखने के बाद ही मालूम होगी। ठीक है, तो पहले कंपनी देखते हैं। वैसे तो ये वीडियोकॉन या सैमसंग, देखते हैं किस दोनों में से कोई एक होगी। तो ये रही वीडियोकॉन, ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं क्योंकि पीछे अपना शोल्डर बिल्कुल गर्म है, कपड़ा पर उस पर जाएगा तुरंत जल जाएगा। तो इसको मैंने हटा लिया और आइए प्रॉब्लम देखते हैं। टीवी को लगा रहे हैं हम डायरेक्ट पावर में, सीरीज नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट पावर में, ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया है। और ये देख सकते हैं लाइट आ चुकी है, स्विच से ऑन करते हैं तो टीवी ऑन भी हुई है। और इसके बाद लाइट वगैरह देखते हैं कुछ आती है या नहीं। तो डिस्प्ले पर देखिए लाइट भी आई है, ए बी वन करके। वीडियो लगा के देख लेते हैं आखिर क्या समस्या है जिसके लिए कस्टमर हमारे पास लेकर आया है। यहाँ मिलेंगे होम और किचन प्रोडक्ट्स में एक्साइटिंग ऑफर्स नवंबर से। तो टीवी दोस्तों अपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ रही है। तो देखते हैं इसमें क्या समस्या है, कस्टमर से पूछ लेते हैं इसमें क्या दिक्कत था। शायद उनका कहना था कि ये चलते चलते आवाज आती रहती है, पिक्चर गायब हो जाता है, ये समस्या थी। तो इसको हम लगभग कुछ देर चला के छोड़ते हैं और देखते हैं क्या ये समस्या आती है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों, इसको चलने देते हैं ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, करीब इसको चलते हुए 15 मिनट हो गया, लेकिन इसमें कोई फॉल्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। बस एक फॉल्ट इसमें नजर आया है, ये देख सकते हैं बहुत पतली पतली बस लाइनिंग चल रही है इसमें। तो ऐसा करते हैं पहले इसको खोल के देख लेते हैं, क्योंकि कस्टमर लाया है तो कुछ न कुछ देखिए परेशान होगा तभी लाया है, क्योंकि इतनी बड़ी टीवी ढोके लाने का कोई मतलब तो है नहीं। तो एक बार हम इसको खोल के देख लेते हैं आखिर अंदर कुछ मिलता है या नहीं हमको। ठीक है, फटाफट से इसको ओपन करते हैं और एक बार अंदर से नज़ारा इसका हम देख लेते हैं कि हमको कुछ कमी मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो को हम रोक देते हैं ताकि समय बचे अपना। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है, खोल लिया। उसके बाद बॉडी को पीछे से आराम से निकाल लेते हैं, यहाँ पे वायर फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों हमने इसको पीछे खींच लिया है और देखिए खोलते ही हमको कमी मिल गया, आखिर इसमें कमी क्या है। ठीक है, देखिए अगर नहीं खोलते हम कस्टमर को बोल देते कि ये टीवी सही है आपकी, तो वो भी बेचारा परेशान होता और हमको फिर से मतलब लाने के बाद ये देखना होता कि आखिर समस्या कहाँ थी। ठीक है, तो हमने खोल के अच्छा एक काम किया है। तो मैं सबसे पहले इसकी गंदगी, धूल गंदगी को साफ कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको ये समस्या क्या है। जब इसको आप साफ करेंगे, साफ करते ही आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर कमी कहाँ है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने लाइनिंग देखा तभी मुझे शक हुआ कि ये समस्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको साफ करते हैं। तो दोस्तों मशीन से जितना साफ हो चुका उतना तो हो गया और इतना साफ हो सका है इससे। और इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं इसमें कमी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक छोटी सी समस्या है, जो एक ऐसी समस्या है कि फॉल्ट ऐसा आ रहा होगा, कभी कभी टीवी चलती होगी, कभी कभी नहीं चलती होगी। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ इसलिए चल गई है क्योंकि अपने यहाँ दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल फ्लैक्चुएट नहीं है, 220 तो 220, 250 तो 250, बिल्कुल बराबर वोल्टेज अपने यहाँ मिलता है, इसलिए टीवी चल गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ये समस्या है बस इस कैपेसिटर की, ये जो मेन वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर देखिए यहाँ पर ऊपर से फट चुका है, लीकेज हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कैप को मैंने हटाया, देखिए फूला हुआ, आपको अब समझ में आ रहा होगा ये फूला हुआ कैपेसिटर है। बस इस कैपेसिटर की वजह से सामने लाइनिंग आई डिस्प्ले पर, और लाइनिंग अगर मैंने न देखी होती तो ये समझिए टीवी खुलती ना। ठीक है, कस्टमर लाया है तो कुछ ना कुछ कमी दोस्तों जरूर लाया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीवी ढोने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से पीछे से निकाल रहा हूँ, ये रहा अपना 220 450 कैपेसिटर, अब देख सकते हैं बिल्कुल अब आपको मालूम हो रहा होगा कि हाँ ये फूला हुआ है। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर,
और उसके बाद डिस्प्ले पे चेक करते हैं, ये लाइट आने जाने वाली कोई समस्या नहीं होगी इससे, बस ये होगा कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। जैसे ही लाइट कम ज़्यादा होगी तो सही से वोल्टेज अपना कैपेसिटर मेंटेन नहीं कर पाएगा, फिल्टर नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से ये दिक्कत होगा। ठीक है, तो अपने पास ये काफ़ी अच्छा जो है कैपेसिटर है, उससे भी एक तगड़ा 500 वोल्टेज में 220 मिलीवेट का, तो ये भी ओरिजिनल कैपेसिटर, पुराना कैपेसिटर अपने पास है, तो इसको मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये एक नंबर चलेगा, उससे अच्छा ही चलेगा। ठीक है, तो अल्ट्रा स्लिम है इसलिए यहाँ पर 220 मिलीवेट का लगा है, अल्ट्रा स्लिम ना होती तो छोटा कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी है इसकी, एक छोटी सी समस्या परेशान कर देती है, अभी तो हम भी 15 मिनट के लिए इसको भी फ्यूल में चला दिए हैं। तो जैक को लगाते हैं इसके, और कोई कैपेसिटर देख लीजिए कोई लीकेज तो नहीं है। ठीक है, मुझे देखने में तो बाकी सब सही लग रहे हैं, बाकी जो और दिखे उसको आप चेंज कर दीजिए बेझिझक, क्योंकि जो ऊपर से दिखता है सबसे पहले उसको चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, और ये जैक वगैरह सब लगा है। ओके, इसके जैक को भी यहाँ पे लगा लेते हैं, टीवी को फिर से जो है कि अपने कैमरे को पीछे करते हैं और टीवी को फिर से घुमा लेते हैं, और लीड यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ये लीड का जैक मैं लगा रहा हूँ, अब लगाने के बाद इसको घुमाते हैं डायरेक्ट पिक्चर की तरफ, लाइनिंग देखेंगे वो लाइनिंग खत्म हो रही है या नहीं, जो लाइनिंग आ रही थी, पावर में लगा दिया गया है टीवी को और इसको ऑन करना पड़ेगा हमको, तो ऑन करते हैं, ऑन हो गई है टीवी, लाइनिंग जो बन रही थी ना लाइनिंग खत्म होनी चाहिए, एक सही फिल्टर होने लगेगा अब, लाइट थोड़ी कम है लेकिन उससे अपने को नहीं मतलब है। ये क्या, अब भी ये लाइनिंग बन रही है, तो काफी ज्यादा ब्राइटनेस कम है, लाइनिंग अब भी है दोस्तों, तो ये पीछे दोस्तों लीड की वजह से है, जैक को देखिए जैसे मैं लीड निकाल रहा हूँ तो उसकी वजह से जब हिलाने से भी हो रहा है, देखिए थोड़ा बढ़ रहा है, तो देखते हैं लीड की वजह से ये कहीं और से, क्योंकि कैपेसिटर तो एक नंबर है, इससे तो नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, और ये लाइनिंग कभी कभी दोस्तों जब डीटीएच मैच नहीं करता तभी उसकी वजह से भी होता है, तो एक काम करता हूं मैं इसकी लाइनिंग को चेक करने के लिए एक टीवी के अर्थ से D2H की अर्थ पर एक वायर कनेक्ट करता हूं, देखते हैं क्या उससे ये डाउन होता है अपना, इतना इन्होंने प्रकाश डाउन किया हुआ है लगता है, यहां से मुक्कू जी थोड़ा बढ़ाते हैं, बस अरे एक मिनट रुक तो जाइए, कितनी बार कहा है कि सवारी उधर ही उतर जाती है भाई, नहीं तो ढाबे तक भी ले आओ तो चलेगा, नहीं यात्रियों को तुम 2 किलोमीटर दूर छोड़ सकते हैं, यहाँ तो अपने लिए आते हैं, शुक्राना करते। ठीक है, कुछ लाइट हमने बढ़ा दिया सेटिंग से, शुक्राना देने, और ये जो लाइनिंग बन रही है थोड़ा और करीब करते हैं, ये देखिए अब लाइनिंग आपको झिलझिलाहट दिख रही होगी, मैं यहाँ से ग्राउंडिंग करके पीछे से देखता हूँ D2H से, अगर लीड से होगा तो ये खत्म हो जाना चाहिए। जब यात्री लेकर आता है तो ठीक है, तो मुझे तो आगे दिख नहीं रहा, अपने पिता के साथ आया करता था, इस समय पता नहीं है कि नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा है अपने कैमरे में, मुझे लग रहा है खत्म हो जा रहा है, इस समय देखिए मैंने वायर लगाई हुई है, देखिए इस समय है अब है, दादा पूछ रही है तुम्हारे बारे में, अब ये जय शंकर, तो पूरी तरह से तो नहीं खत्म हो रही है लेकिन कुछ डाउन हो रहा है। ठीक है, और ये समस्या लाइनिंग वाली एक जगह से और होती है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ना सही हो तो भी आप देख लीजिए इसमें दोस्तों, ये वाली समस्या काफी जगह से, जैसे अपना इस
डीटीएस भी होगा, और इसके बाद इधर अपने इस पीएफ से भी होंगे, 102 नंबर का जो पीएफ लगाता है कभी 471, और उसके बाद यहाँ पर एक 110 की सप्लाई पर पीएफ लगाते हैं डायोड के बीच में, इसकी वजह से भी होता है। ठीक है, इसका ये काफ़ी बारीक फॉल्ट हो जाता है। फिलहाल अपना जो बंद होने का समस्या था अब वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अब हम पैक कर लेते हैं क्योंकि कमी अपने सामने हमको मिल चुकी है, ये हमको ख़राब मिल चुका है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तो ठीक है, आपका कोई और समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए। तो इसको मैं पैक कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना क्लियर है। अब सामान देखिए, अगर ख़राब नहीं मिला होता तो हम शक में रहते कि आखिर क्या दिक्कत, लेकिन अब हमको कंपोनेंट ख़राब मिल चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसको हम पैक कर लेते हैं।